हेलो फ्रेंड्स और नमस्ते, गुड इवनिंग। आप लोग कैसे हो? मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है। फ्रेंड्स देखिए, शाम का वक्त हो रहा है और देखिए बारिश का कितना अच्छा मौसम हो रहा है। रिमझिम पड़ रही है और कभी बंद हो जाती है। और ये मेरे छोटे छोटे पौधे हैं, इसको छोटे छोटे येलो कलर के फूल आते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। और देखिए छत पूरी अच्छे से, बारिश नहीं हो रही है, कभी पड़ती है कभी बंद हो जाती है। मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, इतनी अच्छी हवा चल रही थी, बहुत अच्छी। चलिए फिर मैं चलती हूँ किचन में। सूर्यांश को बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। सूर्यांश क्या है, कभी कभी सुबह लंच लेके जाता है तो दोपहर में भी खाना नहीं खाता है, फिर शाम को ही उसे भूख लगती है। तो फिर बोला मम्मा पराठा दे दो, मेरे को सौंस खानी है। तो फिर मैंने बोला भिंडी की सब्ज़ी बनाई है, भिंडी की सब्ज़ी खा लो। तो सूर्यांश के लिए पराठे सेकती हूँ मैं, फटाफट सेक के उसे पराठे दे दूँगी। और वेदांश अभी बाहर खेल रहा है, वेदांश आएगा जब जाके वेदांश को दूँगी। देखिए सूर्यांश लेके चला जाता है खाना, टीवी देख रहा था जब भी खाना खा रहा था। फिर वेदांश की आवाज़ आती है, वेदांश बाहर गया हुआ था और गेट बंद कर दिए हैं। तो वो आया है तो बोल रहा है मम्मा गेट खोलो, गेट खोलो। मुझे क्या मालूम क्या लेके आए? आइसक्रीम। सूर्यांश के लिए लेके आए, आपके लिए नहीं लेके आए। बेदू को तो पसंद नहीं। वेदांश गुस्सा होकर जाके सोफे पे लेट जाता है। और देखिए ये भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी फ्रेंड्स, मैंने कुछ भी शूट नहीं कर पाया सब्जी का क्योंकि लाइट चली गई थी। और फ्रेंड्स जो मैंने फ्रिज के ऊपर का जो कपड़ा धोया था वो मैं अब फ्रिज के ऊपर डाल लूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। मैंने आप लोगों से शेयर भी करा था पहले ब्लॉग में, तो कोई भी डस्टिंग वगैरह होती है तो इसी के ऊपर आती है, फिर ये धुल जाता है, फ्रिज गंदी नहीं होती है फ्रेंड्स। और देखिए कुछ बर्तन है वो मैं रैक में लगा दूँगी डलिया में, क्योंकि तुरंत बर्तन धोते हैं तो जब ही नहीं लगाती हूँ, थोड़ा वो उसका पानी सूख जाता है जब जाके मैं डलिया में लगाती हूँ फ्रेंड्स। फ्रेंड्स लाइट आना जाना नाटक ही कर रही थी, कभी जा रही थी कभी आ रही थी क्योंकि बारिश का मौसम हो रहा था। और जो आटा था जो मैंने गूंथ के रखा था वो उसकी मालिश कर लूँगी। तो सूर्यांश ने बोला कि मम्मा आप बाद में सेक लेना लाइट आ जाए। तो एक पराठा मैंने उसके लिए सेक दिया था, एक और सेकना था, तो अब मैं एक और सेक दूँगी। और वेदांश भी आ चुका है, वेदांश के लिए भी बना लूँगी फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आज आपको एक वेदांश की शैतानी बताती हूँ। सुबह मॉर्निंग का जल्दी उठा था तो दोपहर में सूर्यांश को मैं काम करा रही थी ट्यूशन का, तो मैंने सूर्यांश से पूछा वेदांश नीचे सो रहा है क्या? तो सूर्यांश ने बोला हाँ सो रहा है, पर वो सो रहा नहीं था, अपने फ्रेंड पड़ोस में अपने फ्रेंड के साथ 2-3 घंटे के लिए खेल रहा था। तो मुझे लगा जब ट्यूशन का टाइम होता है 4 बजे आया, तो मैंने कहा बाबू सो के आया है क्या? बोला नहीं मैं तो वहाँ पर खेल रहा था। तो मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आई और सूर्यांश ने भी मुझसे झूठ बोल दिया कि हाँ वो सो रहा है, सो रहा नहीं था, वो अपनी फ्रेंड के साथ खेला। फिर वो आने के बाद 4 बजे ट्यूशन भी नहीं गया, ट्यूशन भेज रही थी जब जाके रोने लगा। और ज़बरदस्ती ट्यूशन जाता है, कभी खुश होकर ट्यूशन नहीं गया। इधर पास में ही आंगनबाड़ी है तो इसका नाम लिखा हुआ है उसमें, तो मैं बोलती हूँ डेली बेटू जा स्कूल जा। वहाँ और छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं गली के, पर इसका मन नहीं करता वहाँ पर पढ़ने का, बोलता है कि मेरे को सूर्यांश के स्कूल जाना है। इस साल उसका एडमिशन नहीं कराया, अगले साल एडमिशन करा देंगे। उसका ट्यूशन लगा दिया है और मैं भी कुछ ध्यान देती हूँ तो कवर हो जाएगा। और देखिए ये दूध की बोतल है वो मैंने बॉईल करने रख दी है फ्रेंड्स। कुछ बर्तन थे वो भी मैंने साफ़ कर लिए हैं, किचन का पूरा काम मेरा क्लियर हो गया है। और देखिए बहुत ज़्यादा रात हो गई थी फ्रेंड्स, अब मैं आ जाऊँगी दीपक जलाने, कान्हा जी का दीपक जला लूँगी। फ्रेंड्स पूजा मेरी हो गई थी तो फिर पूजा के बाद मैं खा लूँगी खाना, मुझे भूख लग रही थी। देखिए ये पराठे हैं, भिंडी की सब्ज़ी है, कुछ सैलेड है, तो खाना मैंने खा लिया था। फिर मैं आ जाऊँगी घर सही करने। देखिए किस तरीके से बच्चों ने घर फैला के रखा है, सारे चारों तरफ कपड़े और शूज़ भी सूर्यांश आता है तो ऐसे ही उतार के डाल देता है, फिर मैं उठा के रख देती हूँ। फिर वेदांश उसके शूज़ चारों तरफ फैन पहन के घूमता है, मम्मी मैं स्कूल जा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, उसका दिन भर रहता है। तो मैं रूम में भी आ जाऊँगी, रूम भी उन लोगों ने बेकार करके रखा था, रूम भी सही कर लूँगी। और कुछ कपड़े थे फ्रेंड्स वो भी मैं फोल्ड कर लूँगी। अगर मैं किचन में हूँ तो बच्चे दोनों बेड पे इतना ज़्यादा कूदते हैं, बेड शीट इधर से उधर कर देते हैं। और स्कूल की सूर्यांशी ड्रेस थी वो मैंने आज धो ली थी, तो मैं सुबह के लिए उठा के रख दूँगी।
फ्रेंड्स मैं रात को ही सारी तैयारी करके रख देती हूँ, फिर मॉर्निंग में उसे दिक्कत नहीं होती है, फिर बोलता है ये कहाँ रखा है वो कहाँ रखा है। फिर सूर्यांश को कुछ ड्राइंग बनानी थी तो वो बना नहीं पा रहा था, तो मेरे को बोलने आता है मम्मा आप मेरी ड्राइंग बना दोगे क्या, तो फिर मैंने बोला हाँ मैं बना दूँगी, आप ड्राइंग बना दो तो मैं कलर कर लूँगा। तो मुझे रात को टाइम नहीं मिला था फ्रेंड्स, आप लोगों को ही पता है मैं रात को पूरे दिन भर ब्लॉगिंग करती, फिर रात को एडिटिंग करती हूँ, फिर बच्चों को भी देखना होता है। कैसे हो मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है फ्रेंड्स। सभी लोग अच्छे ही होंगे और अच्छे ही रहने चाहिए फ्रेंड्स। तो फिर अभी अभी मैं काम से फ्री हुई थी तो फिर मैंने सोचा आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लेती हूँ। और सूर्यांश को भी खाना खिला दिया और मैंने भी खा लिया और वेदांश को भी खिला दिया। मम्मी जी की तबीयत ठीक नहीं थी तो मम्मी जी ने नहीं खाया। फिर सूर्यांश सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठता है तो सूर्यांश अभी जाके सो गया, आज तो पढ़ा भी नहीं है, बहुत जल्दी सो गया है। उसे नींद आती है, फिर शाम को बच्चे को पढ़ाओ तो क्या नींद आती है बहुत ज़्यादा, तो फिर वो अच्छे से पढ़ नहीं पाता है। पूरा टाइम ही उसे पूरे दिन भर ही हो जाता है, स्कूल से आता है 1 बजे, फिर ट्यूशन का काम करता है, फिर ट्यूशन में 4 बजे जाता है, वही 5-6 बजे ट्यूशन से आता है, तो पूरा दिन ही हो जाता है। खेलने का भी टाइम उसे थोड़ा बहुत मिलता है, फिर वो खाना वगैरह खाता है, टीवी देखता है, कुछ स्कूल का वर्क होता है वो भी करता है। तो वेदांश तो आज पूरे सुबह से ही नहीं सोया, उसने तो इतना परेशान करके रख दिया। अभी भी दूध पी के गया होटल का, तो मैंने बोला सोचा तो बोला नहीं वो सोगा नहीं, 10 बजे से पहले नहीं सोएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मैं वीडियो को यहीं एंड करती हूँ, नहीं तो ब्लॉग कुछ ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा। बाय बाय, अगली वीडियो में मिलेंगे।